जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी लेखपाल से संबंधित एक न्यूज़ निकल के आ रही है, जो लेखपाल की भर्ती 2023 में नई होनी है उसकी क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। और यहां पर टोटल पद 10,000 दिखाया जा रहा है, तो यह भर्ती कब तक आएगी या नहीं आएगी, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। और दोस्त, यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के निशान को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज की न्यूज़ देखेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी न्यूज़ आई हैं, सबके बारे में यहाँ पर देखेंगे, लेकिन यह जो आज की न्यूज़ आई है, 2000 से अधिक लेखपाल होंगे पदोन्नत, यानी कि इनका प्रमोशन होगा। इसके अलावा कितने पद बच रहे हैं उसके बारे में भी नीचे ब्यौरा दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कार्यरत 2000 से अधिक राजस्व लेखपाल संग्रह अमीन भू अर्जन अमीन जल्द ही राजस्व निरीक्षक, यानी कि जो राजस्व निरीक्षक होते हैं उसके पद पर पदोन्नति होंगे, उनका प्रमोशन होगा और इसकी कवायदा शुरू कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो लिखा गया है कि करीब 36 जिलों में लेखपालों का रिकॉर्ड परिषद में पहुंच गया है। शेष जिलों का 15 अप्रैल को रिकॉर्ड प्रस्तुत करना है। राजस्व परिषद के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक मई महीने तक करीब 2000 से अधिक राजस्व लेखपाल को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहां पर देखेंगे पदोन्नत के लिए 36 जिलों के लेखपालों के रिकॉर्ड राजस्व परिषद पहुँच चुके हैं, इनसे मतलब नहीं है, हमको मतलब है यहाँ से। नई नियुक्तियों का इंतजार, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती परीक्षा बीते 31 जुलाई 2022 को आयोजित कराई गई थी, लेकिन इसका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। अब देखिए, यह कोर्ट केस चल रहा है, अगर कोर्ट के केस जैसे ही निपटता है इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आयोग के अध्यक्ष द्वारा कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोर्ट में शायद अगली डेट 11 अप्रैल को लगी है, देखिए उस दिन फाइनल होता है या फिर नहीं। उसके अलावा भर्ती का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। यहाँ पर देखेंगे लेखपाल के 30,837 पद उत्तर प्रदेश में स्वीकृत हैं और वर्तमान में बात करें तो करीब 17,000 पदों पर ही लेखपाल कार्यरत हैं। एक एक लेखपाल के पास 2 से 3 क्षेत्रों का कार्यभार है। आयोग की ओर से परिणाम जारी करने के बाद ही राजस्व परिषद करीब 10,000 लेखपालों के भर्ती का अध्याचन आयोग को भेज सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आज क्या लिखा है, 10,000 के करीब एक बार फिर से कागजी भर्ती आ चुकी है और यह भर्ती कितना आयोग के अध्यक्ष द्वारा ही बताया गया था कि 4,000 के करीब यह भर्ती आएगी जब निपट जाएगा इनका, ठीक है, 8,085 भर्ती का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी 2000 प्रमोशन होगा और यहाँ पर पद जितने स्वीकृत हैं 30,000। अब कौन सा आंकड़ा इन्होंने लगाया है कि 10,000 लेखपाल की भर्ती छाप दिए हैं, हालाँकि आएगी तो हमारे लिए ही, हम सब के लिए ही अच्छा होगा, लेकिन यह भर्ती तब तक नहीं आएगी जब तक कि जो 8,085 वाला कोर्ट केस है यह ख़त्म नहीं हो जाता। जैसे इसका परिणाम जारी होगा तो यह लेखपाल की भर्ती निश्चित रूप से आनी है, क्योंकि यह कई बार आयोग के द्वारा बताया जा चुका है। अब 10,000 आएगी कि 4,000 6,000 आएगी, यह तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आएगा, लेकिन हाँ, एक बार फिर से लेखपाल की बड़ी भर्ती आने वाली है। तो इससे पहले भी देखिए कई बार यहाँ पर न्यूज़ में आ चुकी है भर्ती, लेकिन अभी तक कागजी भर्ती के अलावा यह देखने को नहीं मिली है नोटिफिकेशन के रूप में। यहाँ पर भी पिछले लगभग एक आध महीने पहले लेखपाल के 12,000 से अधिक पद खाली था, इसके बारे में बताया गया था। और इसके बाद यहाँ पर यूपी पुलिस भी अभी लेटेस्ट न्यूज आई थी कि 35,000 जो जेल वार्डर हैं जेल पदों पर होगी भर्ती, लेकिन इसका भी कुछ अभी तक अता पता नहीं है। कांस्टेबल के 35,000 पद, उनका भी कुछ आता पता नहीं है। यूपी रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम डेट का कुछ पता नहीं है, साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन डेली की डेली कागज़ में भर्तियां आती जाती हैं और कंप्लीट भी कभी कभी होती जाती है कागज़ में ही। तो अब देखना होगा कि यह भर्ती कब तक आती है, लेखपाल की भर्ती कब तक आती है। हालाँकि लेखपाल की भर्ती आएगी ज़रूर, तो अब चलिए जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिस आता है या फिर कुछ अपडेट आती है तो हम आपको बताते रहेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तैयारी करते रहिए।